हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का टॉपिक ये था कि किसी ने पूछा था कि सिंगापुर में गुड सैलरी मींस कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सेक्टर्स जानना चाहते हैं सिंगापुर में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, क्योंकि देखो ऐसा होता है हर कंट्री के अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें सैलरी ज़्यादा होती है, जिसमें सैलरी एवरेज होती है, और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। वो हर कंट्री की जो अपनी इकोनॉमी होती है वो वहाँ के सेक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सिंगापुर की इकोनॉमी किस किस सेक्टर पर डिपेंड है और क्या सैलरी रहेगी, इस वीडियो के ऊपर हम आप पूरी चर्चा करेंगे। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, या पहली बार इस चैनल को आज देख लिया है गलती से, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा दो, ताकि इन फ्यूचर में कोई सी भी नोटिफिकेशन आए सिंगापुर से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ तो आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि देखो ऐसा होता है, हर किसी का सपना होता है विदेश जाने का और अच्छा पैसा कमाने का। तो ऐसा तो है कि हर बंदे के पास टैलेंट होता है, बट वो टैलेंट वो सेक्टर्स फिक्स होता है या नहीं, सबसे बड़ी बात है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है और अगर वो टैलेंट यानी आपके पास जो स्किल है वो उस कंट्री में डिमांड में है या नहीं है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हम बात करते हैं सिंगापुर में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको बहुत ईजी जॉब मिलेगी, डिस्कस करते हैं। और हाँ यार, एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी, एक अच्छी सैलरी का मतलब क्या है आपके हिसाब से, मुझे कमेंट्स करके बताना। जो मेरा ओपिनियन है, एक अच्छी सैलरी का मतलब है अगर इंडिया से रुपये देखा 1.5 लाख के आसपास और 2 लाख रुपए आपको पर मंथ मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज अच्छी सैलरी है। यानी सिंगापुर के $3,000 के आसपास अगर आपकी सैलरी सेविंग्स में हो जाती है, तो आप मुझे कमेंट्स में करना कि $3,000 एवरी मंथ आपके हिसाब से अच्छी सैलरी है या नहीं है। ठीक है भाई, जो सिंगापुर का सबसे टॉप मोस्ट पहले नंबर पे जो मैंने चीज़ रखी है वह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आईटी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है सिंगापुर में। तो अगर आप आईटी से कोई सी भी रिलेटेड कहीं भी चले जाएं, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चले जाएं, फूड इंडस्ट्री में चले जाओ, हॉस्पिटल्स में चलो, कहीं भी आप चले जाओ, इधर आप बस स्टैंड पर भी चले जाओ, आपको पता है इधर कोई भी बसेस में कंडक्टर नहीं होता। तो आईटी को नंबर वन पर रखा है, तो आईटी से रिलेटेड आपकी जॉब है सिंगापुर में, आप अच्छी सैलरी ले सकते हैं। नंबर दूसरे पे रखा है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में जो आपकी यूनिक स्किल्स हैं, मीन्स आप नर्स हो या बिकम अ डॉक्टर्स हो, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी यहाँ पर मिलेगी। तीसरे नंबर पे एजुकेशन सेक्टर्स। एजुकेशन सेक्टर्स को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई सिंगापुर में एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि बिना एजुकेशन के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है, शायद मुझे भी पता है, और गवर्नमेंट को भी। किसी भी कंट्री को आप देख लेना, अच्छी जो रिच होंगी कंट्रीज वहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर एजुकेशन से आप प्रोफेसर हो, आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में आप टीचर हो तो बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी लेक्चरर हो तो आपको करीब 20,000 पर मंथ, आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पर NUS NTU के जो प्रोफेसर्स हैं 20-25,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। नंबर पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है अगर आप एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास पर काम करते हो और हायर डेजिग्नेशन पर काम करते हो। यानी कहने का मतलब, आप किसी भी कंपनी के आप सीनियर मैनेजर हो या आप कोई ऐसा काम करते हो जो हायर पोस्ट पर में आपको बॉस के अंडर आप काम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी $3,000-4,000 के आसपास मिलेगी। पाँचवें नंबर पे मैं रखूँगा लॉजिस्टिक्स को। अब यहाँ लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है कि अगर आपको SAP आता है और आप यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो, जो यहाँ पर लॉजिस्टिक कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनीज है, उनको लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, वेयर हाउस से रिलेटेड जॉब मिलती है, तो इसको पाँचवें नंबर पर रखा। अगर आप अच्छे IT स्पेशलिस्ट हो लॉजिस्टिक के अंदर, तो आपकी सैलरी $15,000 तक भी जा सकती है। छठे नंबर पे मैंने रखा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इसलिए छठे नंबर पे रखा है क्योंकि यहाँ पर जो होता है वर्क परमिट से भी स्टार्ट होती है जिसकी सैलरी, और अगर आप
यहाँ पर सुपरवाइजर लेवल पर हो तो आपकी 2000-3000 जाती है, अगर आप इंजीनियर हो सिविल इंजीनियर्स वगैरह तो आपकी सैलरी 4000 तक भी जाती है। और छठे नंबर पे R&D, R&D को एक्चुअली मुझे दूसरे नंबर पर रखना चाहिए, लेकिन R&D भी एक पार्ट होता है। तो R&D में अगर आप जॉब करते हो, किसी भी R&D, कोई भी प्रोडक्ट की R&D में आप किसी में काम करते हो, तो आपकी सैलरी अच्छी होती है। आप आई होप सो आप और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस होंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।